आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामान्य बोलचाल के संस्कृत शब्द, बेसिक संस्कृत वर्ड्स विथ हिंदी मीनिंग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक संस्कृत आप सीखना चाहते हैं तो आपको ये वर्ड मीनिंग काफ़ी ज़रूरी होगा। इधर शुरू में संस्कृत जो है लिखा हुआ है, यानी कि ये संस्कृत वर्ड है, इस बीच में हिंदी वर्ड भी दे दिया हूँ। साथ ही साथ कुछ बच्चे अगर CBSE के हैं तो उसे हिंदी समझ में नहीं आते होंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर अंग्रेजी भी दे दिया हूँ। अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे अहम हो गया तो इंग्लिश में मैं को आई बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में अहम होता है, यानी अगर आपको अहम संस्कृत में कहीं भी दिखे तो हम उसे हिंदी में मैं, अगर इंग्लिश में आपको समझना है तो आई बोलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम चलेंगे। अब यहाँ से हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ से चलेंगे। उस तरह से त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, हिंदी में ये एक वचन का है, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू सिंगुलर। क्लियर? अगला है युवम, युवम का मतलब होता है तुम, यानी बहुवचन में, वसा मतलब ही होता है तुम, यानी ये यू जो होता है प्लुरल कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर? ये तुम देख रहे हैं, युवम का मतलब होता है तुम बहुवचन में। अगला है सौ या सा, इस सब का मतलब सौ सा या तत्, तत् तीनों का मतलब होता है व, इसे हिंदी में कहते हैं व, इंग्लिश में कहते हैं ही सी इट। अब कहिएगा सौ मतलब वह होता है, सा मतलब वह होता है लड़की के लिए, और तत् मतलब जो होता है वह या यह होता है, वो जानते हैं कि निर्जीव के लिए होता है। ते, ते का मतलब वे, ठीक है, इसे इंग्लिश में दे कहते हैं, THEY दे। उसके बाद है वयम या नशा, वयम या नशा मतलब होता है नशा, नशा मतलब हम, वी इंग्लिश में कहते हैं। क होता है क को इंग्लिश में कौन, हिंदी में कौन और इंग्लिश में हु बोलते हैं। क का मतलब कौन, इंग्लिश में हु बोलेंगे। क्लियर? कुत्र, कुत्र का मतलब होता है हिंदी में कहाँ, कुत्र संस्कृत वर्ड है, कहाँ हिंदी वर्ड है, इसका हिंदी का इंग्लिश होगा वेयर। क्लियर? तत्र, तत्र का मतलब वहाँ, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में देयर, कहाँ वहाँ। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अत्र, अत्र मतलब होता है, ये संस्कृत वर्ड है अत्र, इसे हम कहेंगे यहाँ इंग्लिश हिंदी में और इंग्लिश में कहेंगे हेयर। उसके बाद है किम, किम का होगा संस्कृत में क्या, सॉरी किम संस्कृत वर्ड है, हिंदी में होगा क्या और इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट। कदा, इसको हिंदी में बोलेंगे कब और इंग्लिश में बोलेंगे क्या, बोलेंगे व्हेन, क्या बोलेंगे व्हेन, व्हेन का मतलब इंग्लिश में व्हेन होता है और हिंदी में कब, इसे संस्कृत में कहना हो कदा, कदा मतलब कब। तत्, तत् मतलब होता है वह, इसे इंग्लिश में कहेंगे डैट। ईदम, ईदम का मतलब होता है यह, इसे हिंदी में कहेंगे दिस, THIS दिस मतलब होता है यह, इसे संस्कृत में ईदम, ईदम मतलब यह। कथम मतलब होता है कैसे, कथम, कथम का मतलब कैसे, इंग्लिश में बोलेंगे हाउ, कथम, कथम मतलब कैसे। बहु मतलब कही, कई, बहु मतलब कई यानी कि मेनी होता है, बहु मतलब कई मेनी। सर्व, सर्व मतलब सभी, सर्व मतलब सभी, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल। अगला देखते हैं अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्यू, अल्प मतलब कम, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्यू, अल्प को हिंदी में बोलते हैं कम। किचिदा मतलब होता है कुछ, किचिदा मतलब होता है कुछ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सम। न मतलब नहीं, इसे हम बोलेंगे नहीं को इंग्लिश में बोलेंगे नॉट। न मतलब होता है न, संस्कृत वर्ड है, नहीं आपका रेड कलर वाला जो भी दिख रहा है वो हिंदी वर्ड है, ठीक है, और ये राइट साइड में आपको जो दिख रहा है नॉट साइड में इधर, ये सब आपको इंग्लिश वर्ड है। क्लियर? किमर्थंग मतलब होता है क्यों, किमर्थ मतलब क्यों, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई। क्लियर है? नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, इसे थोड़ा जुनून जगता है कि कुछ बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं। आमरा, आमरा मतलब होता है हाँ यस, ठीक है, आमरा, आमरा मतलब हाँ यस। अन्य, अन्य का मतलब होता है अन्य, आमरा मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे आम को बोलते हैं, ठीक है, आमरा का मतलब यहाँ पर हाँ होगा, इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में यस, ठीक है। अन्य, अन्य मतलब होता है अन्य, ये हिंदी और संस्कृत दोनों इसका एक जैसा है, अदर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अल्प मतलब होता है थोड़ा या छोटा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा या छोटा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉल। दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है लंबा या लॉन्ग, दीर्घ का मतलब होता है संस्कृत वर्ड है, इसे हम हिंदी में बोलेंगे लंबा और इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग।
महता, महता मतलब होता है बड़ा, इसे बोलेंगे इंग्लिश में बिग। अगला है तनु, तनु का मतलब होता है पतला, इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में थिन। क्लियर है। हस्ब, हस्ब का होता है छोटा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट। अगला है अप या वारी या उदन, तीनों का मतलब होता है पानी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाटर। क्लियर। चलिए वायु, वायु संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी होगा हवा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे विंड या वाइंड भी बोलता है। अग्नि, अग्नि है संस्कृत वर्ड, इसे हिंदी में बोलेंगे आग, इंग्लिश में फायर। उसी तरह से हिम, हिम को संस्कृत वर्ड है समझा जाता है, इसका हिंदी होगा बर्फ और इंग्लिश होगा आइस। आकाश, आकाश को इंग्लिश में स्काई बोलते हैं, लेकिन आकाश जो है संस्कृत वर्ड है, हिंदी वर्ड होगा आसमान और इंग्लिश वर्ड होगा स्काई। क्षमा मतलब धरती, इसे हम बोलते हैं हिंदी में धरती और इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। क्षमा एक संस्कृत वर्ड है। समुद्र भी संस्कृत वर्ड है, समुद्रा यहाँ पर होना चाहिए, समुद्रा, समुद्र, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी। ठीक है। नदी वर्ड जो है संस्कृत का भी है, हिंदी का भी है, रिवरा। ठीक है। नदी, नदी, रिवर। रेणु, रेणु का मतलब होता है धूल, डस्ट, इसे आप देख सकते हैं इस तरह से। लवण मतलब होता है नमक, लवण जो है आपको वो संस्कृत वर्ड है, नमक इसका हिंदी वर्ड हुआ और साल्ट इसका इंग्लिश वर्ड हुआ। सह, सह मतलब होता है साथ, वीत, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अगला है ही, ही मतलब होता है क्योंकि, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज, यानी बिकॉज का मतलब होगा संस्कृत में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे ही होगा। यदि, यदि का यदि होगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ। क्लियर। च, च मतलब होता है और, च को संस्कृत वर्ड समझा जाता है, इसे हिंदी होगा और, एंड होगा इंग्लिश वर्ड। नींद का मतलब होता है नज़दीक, इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में नियर। क्लियर। ब्रीद, ब्रीद मतलब पुराना, इसे हम बोलेंगे ओल्ड, ओल्ड। ब्रीद मतलब होता है संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी होगा पुराना और इंग्लिश होगा ओल्ड। नव का होगा नया, न्यू, नव हो गया संस्कृत वर्ड, नया हो गया हिंदी वर्ड और न्यू हो गया इंग्लिश वर्ड। दिन या दिवस, दिन या दिवस है, इसे हम हिंदी में बोलेंगे दिन, ठीक है, और इंग्लिश में डे होता है। रात्रि या रजनी, इसे, ये संस्कृत वर्ड है, इसे हिंदी में कहेंगे रात और इंग्लिश में बोलेंगे नाइट। अगला है वर्ष, वर्ष को वर्षी बोला जाता है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में ईयर होता है, हिंदी और संस्कृत एक जैसा है। उस तरह से कृष्णा, कृष्णा का मतलब होता है काला, कृष्णा संस्कृत वर्ड हो गया, काला हिंदी वर्ड हो गया, ब्लैक हो जाएगा इंग्लिश वर्ड। क्लियर। श्वेत यानी सफ़ेद, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाइट। हरित का मतलब होता है हरा यानी ग्रीन, हरित का मतलब हरा यानी ग्रीन। रक्त, रक्त जो होता है लाल यानी रेड होता है, रक्त जो होता है संस्कृत वर्ड है और बहुत सारे आदमी से हिंदी वर्ड समझ करके याद कर लेते हैं। रक्त जो है संस्कृत वर्ड है, इसे हिंदी में कहेंगे लाल और इंग्लिश में बोलेंगे रेड। क्लियर। अगला है पीत, पीत मतलब होता है पीला, पीत मतलब होता है पीला और येलो बोलेंगे। नभस, नभस मतलब होता है बादल और इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्लाउड। क्लियर। अगला है आसमान, आसमान मतलब होता है पत्थर और इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टोन। आसमान मतलब ये संस्कृत वर्ड हो गया, पत्थर हिंदी वर्ड, स्टोन इंग्लिश वर्ड हो गया। सरस मतलब हो गया झील, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेक। क्लियर। वर्ष, वर्षा हो गया रेन, इसे बोलेंगे इंग्लिश में। क्लियर। वर्ष मतलब वर्षा। नक्षत्र मतलब होता है तारा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टार, नक्षत्र तारा इंग्लिश में बोलेंगे स्टार। सूर्य मतलब सूर्य, ठीक है, सन इसे इंग्लिश में बोलेंगे। क्लियर। मासा या चंद्रमासा, इसका मतलब होता है चांद, इंग्लिश में मून बोलते हैं। धूम, धूम का मतलब हो गया धुआं, स्मोक, SMOKE बोलते हैं। अगला है पथ, पथ को इंग्लिश बोलेंगे सड़क यानी रोड, पथ यानी सड़क, रोड। क्लियर। शीत, शीत मतलब ठंडा, कोल्ड, शीत का मतलब हो गया ठंडा, कोल्ड। तप्त, तप्त का मतलब हो गया गर्म या वार्म,
तप्त का मतलब गर्म या वार्म। गिरी, गिरी का मतलब होता है पहाड़ या माउंटेन। वृत्त, वृत्त मतलब आप जानते हैं मैथ में पढ़े होंगे वृत्त यानी सर्किल, वह संस्कृत वर्ड है। हिंदी वर्ड होगा गोल और इंग्लिश होगा राउंड। शुष्का मतलब संस्कृत वर्ड है सूखा, ड्राई। आद्रा मतलब गीला। वेट, डब्ल्यू टी वेट इंग्लिश वर्ड हो गया। अगला सभ्य, सभ्य मतलब होता है बाएँ और लेफ्ट, इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्लियर। दक्षिणा, दक्षिणा मतलब होता है दाएँ और राइट होता है, दक्षिण दाया राइट। नामना मतलब नाम, नामना मतलब नाम, नेम होगा। क्लियर। एक, 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 एक होगा, इसमें बुनका छूट गया होगा, एक, एक वन। दबी मतलब दो यानी टू, एक मतलब एक, दबी मतलब दो, त्री मतलब तीन। ठीक है, एक दो तीन, देख सकते हैं कि एक द्वि द्वि तिरी। चतुरा मतलब होता है चार यानी फोर, या फोर दो बार हो गया, एक फोर को हटा दीजिए, एफ ओ यू आर फोर। पंचन मतलब पाँच, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। पंचन मतलब पाँच, आप यहाँ से देख सकते हैं। पुरुषा मतलब पुरुष यानी मैन, एक मैन का हो गया, अगर प्लुरल है तो एम ई एन कर देंगे, पुरुषा हो जाएगा। स्त्री होता है संस्कृत वर्ड, महिला हो गया हिंदी वर्ड वुमेन। मनुष्य या मानव हो गया व्यक्ति, मैन। क्लियर। बाल मतलब बच्चा या चाइल्ड, बाल मतलब बच्चा या चाइल्ड। पितृ मतलब पिता या फादर, पितृ मतलब पिता या फादर। मातृ होता संस्कृत वर्ड, इसे हम कहते हैं हिंदी में माता, मदर। पति जो होगा पति, हस्बैंड, पति पति होता है। भार्या जो होता है संस्कृत वर्ड है, इसे हिंदी में बोलते हैं पत्नी, इंग्लिश में वाइफ। केसा मतलब बाल या हेयर, केसा मतलब बाल या हेयर होगा। थी सिरसा मतलब सर या हेड होगा, सिरसा मतलब सर या हेड होगा। वक्त्र मतलब मुंह या माउथ होगा, वक्त्र मतलब मुंह या माउथ होगा। अक्षी मतलब आँख, आई होगा, अक्षी मतलब आँख या इंग्लिश में आई होगा। करना मतलब कान या ईयर होता है, करना मतलब कुंडल जो होता है कंडल, करना कान ईयर होता है। नासा यानी नाक, नासा जो होता है नाक या नूज होता है। दंता मतलब दांत या टूथ होता है। ठीक है, जीवा मतलब जीव होता है, इसे इंग्लिश में टंग बोलते हैं। अगला देखिए, नख मतलब नाखून, नख संस्कृत वर्ड, नाखून हिंदी वर्ड, फिंगर नेल हो गया इंग्लिश वर्ड। हस्त जो हो जाएगा हाथ, हैंड होगा, हस्त जो है संस्कृत वर्ड है, हाथ हिंदी और हैंड हो गया इंग्लिश वर्ड। उधर का मतलब होता है पेट, ये उधर हो गया संस्कृत वर्ड, पेट इंग्लिश में बोलेंगे बेली। गल का मतलब हो गया गाला यानी गर्दन, नेक बोलेंगे इसे संस्कृत में। अंतरा मतलब आंत यानी गर्स होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हृदय मतलब होता है दिल या हार्ट, हृदय जो है संस्कृत वर्ड है, हिंदी हो जाएगा दिल और इंग्लिश हो जाएगा हार्ट। जड़ंग मतलब टांग, लेग हो जाएगा। ठीक है, जानू मतलब हो जाएगा घुटना और नी, के एन डबल ई नी। पद मतलब पाँव और हो जाएगा फुट, पद पद मतलब पाँव या फुट। बसु, बसु मतलब अच्छा या गुड हो जाएगा, बसु मतलब अच्छा या गुड। शुद्ध, शुद्ध मतलब सही या कॉरेक्ट, शुद्ध शुद्ध मतलब सही या कॉरेक्ट। अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी या बोन, अस्थि मतलब हड्डी या बोन। पुछ, पुछ मतलब पूछ या टेल, पूछ पूछ मतलब पूछ या टेल। वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़ या ट्री, वृक्ष हो गया, इसे हम बोलेंगे हिंदी में पेड़ और इंग्लिश में ट्री। फल या फल या फ्रूट। स्वन, स्वन मतलब कुत्ता या डॉग, स्वना हो गया संस्कृत वर्ड, कुत्ता या डॉग। वी मतलब पक्षी या बर्ड, वी वी मतलब पक्षी या बर्ड। इस तरह से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट संस्कृत के हिंदी भी बता दिया हूँ और उसका इंग्लिश भी बता दिया हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दें, नीचे कमेंट कर दें कि इस वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला है, और अगला वीडियो का इंतज़ार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।